मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस के पास ना तो कोई सफल नेतृत्व है, ना ही कोविड के सिवाय कोई मुद्दा है। कुल मिलाकर कांग्रेस में नेतृत्व की कमी अब खुलकर सामने आ गई है। वीरभद्र सिंह ने जो पिछले दिनों दिल की बात कही, वे हमें नहीं अपने नेताओं को नसीहत दी है। ये परिस्थिति कांग्रेस के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि वे पूर्व में कई बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह का आदर व सम्मान करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस को नेतृत्व की कमी खल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पिछले एक साल से कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस केवल मात्र कोविड पर ही राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा कि पहले ये होता रहा है कि सरकार कोई भी हो, 6 महीने के बाद कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो जाता था, लेकिन अब की कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि कोविड विश्व का मुद्दा है। इस पर भी सरकार ने कांग्रेस के सुझाव मांगे थे, लेकिन कांग्रेस कोई सुझाव नहीं दे पाई। उल्टे अपनी केंद्रीय नेतृत्व को भी कांग्रेस ने कोविड राहत के नाम पर गुमराह किया। सीएम ने कहा कि पहले 50 सालों में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अस्पतालों में 50 वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं करवाए, लेकिन कोविड के बाद आज अस्पतालों में 600 से अधिक वेंटिलेटर हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में जब कोविड नहीं होगा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होगा। सीएम ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस की सरकार इस काल में नहीं है, अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो ना जाने कितनी लूट होती। जिसने सत्ता से बाहर रहते हुए भी कोविड राहत बांटने के नाम पर 12 करोड़ का बिल केंद्र कांग्रेस कार्यालय को भेज दिया, कोविड योगदान व राहत के नाम अब इससे बड़ी लूट क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरा होने पर 51 इवेंट राज्य स्तर के प्रदेश में होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास रहेगा हिमाचल तब और हिमाचल अब के तहत नई पीढ़ी को हिमाचल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, किसका क्या योगदान रहा, विकास क्या हुआ, डिटेल कार्यक्रम बनकर तैयार हो रहे हैं, जिन पर स्वर्णिम यात्रा शुरू होगी, जिसे 15 अप्रैल हिमाचल दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को किसने गति दी, उनका जिक्र होगा। कई अन्य कार्यक्रम भी इस दिशा में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मजबूत नेतृत्व देश को मिला है। कोविड के समय में ये एक चुनौती थी, लेकिन देश अब आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का बजट ऐसी आर्थिकी के बावजूद भी बहुत संतुलित है, जनहितेशी है। कुल मिलाकर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणा मूलक परिवारों को नौकरी बारे सरकार ने नियमों में संशोधन बारे निर्णय लिया है। कुछ संशोधन किए भी गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन भी कोई डेथ होगी तो नौकरी दी जाएगी। आय में संशोधन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करुणामूलक नौकरी देना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही विभागों में रिक्त पदों की संख्या पर 5% से अधिक करुणामूलक से नहीं भर सकते। इसी वजह से लंबित करुणामूलक आधार पर रोजगार देने में विलंब हो रहा है। सीएम ने कहा कि फिर भी कानूनी सलाह लेने के साथ सरकार सबको जल्द रोजगार देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम चुनाव को पार्टी सिंबल पर ही करवाने के बारे में मन बन रहा है, जिसमें नियमों में जल्द कुछ संशोधन पर चुनाव को लेकर निर्णय होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर को जिला बनाने को लेकर कहा कि विकास की कड़ियों में आगे बढ़ेंगे, जब दौर आएगा तो सकारात्मक सोचेंगे, विचार करेंगे, लोगों की राय लेंगे। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वीरभद्र सिंह जी, डेफिनेटली भयंकर क्राइसिस है, और जहां तक वीरभद्र सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उनके पर उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और बतौर मुख्यमंत्री सीनियर लीडर के नाते हम भी उनका इज्जत सम्मान करना हमारा भी एक दायित्व तो बनता है। अपनी पार्टी के बारे में उनने बहुत तीखी टिप्पणियाँ की है। उन्होंने आखिरकार जब से वो हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, बीच में शायद मेखल में एक दौर ऐसे भी थोड़ा अस्वस्थ रहे थे, उस वक्त की पीड़ा को उन्हें जिक्र किया। जिक्र ये किया उसमें कि कांग्रेस के लोग तो इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि कोई हाल पूछने के लिए भी नहीं आया, और इसलिए उनने अपनी भावना व्यक्त की है। वैसे मत समझिए मुझे, ये हमारे लिए नहीं उनने कहा, उनने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है।
तो मत समझिए कि अवैसी स्थिति है। तो उनके लिए वो संदेश है और उनको इस संदेश को समझना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि काल पूरा करने के बाद हम 2022 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सौभाग्य हमारा इस बीच में इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमको अपने जीवन में सरकार में रहते हुए जो प्राप्त हुई है, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड, जिनके गोल्डन जुबली ईयर में हमने प्लान किया कि हम 51 इवेंट्स करेंगे हिमाचल प्रदेश में, 51 इवेंट्स करेंगे स्टेट लेवल के इवेंट्स, बाकी नीचे के इवेंट्स तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। और इवेंट्स के माध्यम से हमारा प्रयत्न रहेगा, प्रयास रहेगा कि हिमाचल तब और अब, यानी कि 50 साल पहले हम कहाँ थे और 50 वर्षों के बाद हम कहाँ हैं। ये हम नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उनके जहन में भी इस बात को डालना चाहते हैं कि आज का हिमाचल जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल इस रूप में 50 वर्ष पहले नहीं था। सफर कहाँ से शुरू किया और आज इस मुकाम पर अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें कौन लोगों का योगदान रहा, किन लोगों का योगदान रहा। और मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इसके लिए एक बहुत डिटेल्ड हमारा एक प्रोग्राम बन करके तैयार हो रहा है, और जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश में एक स्वर्णिम यात्रा की शुरुआत करेंगे, और जिसके लिए संभवतः अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसको फाइनल शेप दे रहे हैं। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को उसकी लॉन्चिंग करेंगे, और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के, वो डेडिकेट करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिनके अथक परिश्रम के कारण हिमाचल प्रदेश ने प्रगति जहां करना कठिन था उस प्रगति को किया, और उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके योगदान से आज हिमाचल प्रदेश एक नहीं अनेक स्थानों पर बड़े राज्य से, जो हमसे पहले राज्य थे उनसे भी हम आगे निकले हैं। और उस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उसके बारे में बहुत डिटेल्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम बाद में हम करेंगे। लेकिन मुझे इतना जरूर कहना आप सबके बीच में कि हम सबका यह सौभाग्य कि आज भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है, और यूनियन गवर्नमेंट का, हमारी केंद्र सरकार का बजट अभी हाल ही में आया है, उस बजट का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ऐसे संकट के क्षण में जब आर्थिकी आपकी हर तरह से प्रभावित हुई है, उसके बावजूद भी बहुत संतुलित बजट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों की स्पेकुलेशंस ये थे कि बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी शायद बहुत सारे कट लगेंगे, इकोनॉमी कट्स लगेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो बजट प्रस्तुत किया गया वो बहुत संतुलित और बहुत व्यवहारिक बजट, जिसमें हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दे करके एक बहुत बड़ी इंक्रीज, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंक्रीज हेल्थ सेक्टर में फोकस होकर के दी गई, 137% का इंक्रीज के साथ, और जिसमें वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन उसमें रखा गया है, क्योंकि आदमी के हाथ में नहीं है कि कब तक उसको जिंदा रहना है। कोई भी आदमी कहीं भी दुर्घटना के कारण मृत्यु का शिकार हो सकता है, बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार हो सकता है। मैं कहीं ये कंडीशन सरकार ने अगर रखी है, पूर्व सरकार ने, तो गलत रखी है। हमने इसको संशोधित किया और हमने एक चीज़ की कि 58 साल की रिटायरमेंट के अंतिम दिन भी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, उसका परिवार का सदस्य भी नौकरी लेने के लिए पात्र होगा कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, एक। दूसरा, उसके बाद इनकम का क्राइटेरिया हमने एक बार नहीं दो बार इसको संशोधित कर दिया। पहले ये क्राइटेरिया 2,25,000 तक रखा था और इसको फिर 2,50,000 तक किया, हमने संशोधित करके किया है। और इसलिए किया क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उस क्राइटेरिया में कवर नहीं हो पा रहे थे, तो स्कोप दिया दोबारा, उनको गुंजाइश दी। अब इस बात को लेकर के हमको समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि
करुणा मूल का धारक आधार पर नौकरी देना ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं, अधिकार के रूप में नहीं मान सकते। और उसके बाद एक कैपिंग इसमें लगी है कि 5% से ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट जो पद रिक्त हैं उससे ज्यादा आप करुणा मूल्य के आधार पर नहीं भर सकते हैं। इन दो रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इन दो बातों की वजह से हमको काम करने में उसमें कठिनाई है कि जितने भी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में 5% पोस्टें खाली थी वो लगभग हमने सारी भर दी है। हाईएस्ट है हमारा जो करुणा मूल्य के आधार पर हमने नौकरी दी है। पिछली सरकार ने तो बंद कर दिया था, इनकम का क्राइटेरिया की सीलिंग एक थी और उसके साथ साथ में 50 साल के बाद अगर किसी की मृत्यु होती तो वो तो नौकरी मांग ही नहीं सकता था। तो हमने उस दिशा में किया है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई इसमें ये आ रही है जो 5% कोटा, 5% ऑफ टोटल वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट। जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो उसमें हम भर सकते हैं, अगर आपके पास 100 पोस्टें हैं तो आप उसमें से 5% ही भर सकते हैं, उसमें इससे ज्यादा नहीं भर सकते। ये कठिनाई उसमें आई है, इसके कारण ये विलंब हो रहा है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ रिटायरमेंट की स्टेज पर आ गए, ऐसी तो वो कर परेशानी है। फिर भी उसके बावजूद हमने जो है कानूनी सलाह लेने के साथ हमने विचार किया है इसमें कुछ और किया जा सकता है, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि गुंजाइश मदद करने की इसमें कहां से निकल सकती है, कैसी निकल सकती है, कितनी निकल सकती है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर, पंचायतों में या एक अंतिम सवाल है जी, कि पालमपुर जो नगर निगम बनी 3500 का आंकड़ा आपने 40,000 तक पहुंचाया, ये जुदाई आंकड़ा जो किया है ये किस ढंग से हुआ? और दूसरी बात उसमें जो पिछले कल आपने कही थी कि लोगों की जो डिमांड्स है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो इसके साथ में कड़ी और हम पूछना चाहेंगे और जोड़ना भी चाहेंगे कि नगर निगम बन गया, विकास का द्वार तो खुल चुका है, क्या पालमपुर में आप जिला बनाने की जो उम्मीद है उसको कब चलो मुझे लगता है अभी इसमें टू ऑल टू जंप टू द कंक्लूजन, तो अभी तो सारी बातों को लेकर के अभी चलते चलिए, दौर चलते रहेंगे आगे। लेकिन विकास हर क्षेत्र की एक मांग रहती है, हमेशा रहती है, एक पूरी होती है दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक सतत प्रयास हो। सर, डू यू एग्री रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज ओवरड्यू सिंस 1968? देखिए सारी चीज को लेकर के ये विषय अभी हमारे सामने उस तरह का नहीं आया है, तो जब दौर आएगा आगे आने वाले समय में सोचेंगे, विचार करेंगे, सब लोगों की क्या राय बनती है इस बारे में भी एक ओपिनियन हम थोड़ा बहुत लोगों से लेंगे। अभी हमने कॉर्पोरेशन बनाई है जी। देखिए